हेलो व्यूअर्स, आइए आज मटन बिरयानी की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg मटन लिया है। ये फ्रेश मटन है जिसे मैंने धोकर छान लिया था, और फिर इसमें मैंने लगभग 100 ग्राम तेल और घी मिलाकर 50-50 डाला है, और जिसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ प्याज भी डाला है, 2 तेज़पात डाला है, और लहसुन अदरक की पेस्ट भी मैंने इसी में डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं गोश्त को तलती हूँ, और अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये शान का बिरयानी मसाला। तो इस मसाले के साथ हमारी परेशानी बहुत ही कम हो जाएगी और बिरयानी भी झटपट तैयार हो जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ और देखें इसके बनाने का तरीका। 3-4 मिनट तक गोश्त प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह से तला जा चुका है, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला हुआ है। तो अब यहाँ पर 2 लार्ज साइज टमाटर डालें। यहीं पर 3 टेबल स्पून गाढ़ा दही डालें, ये मार्केट का दही है। अब ये पूरा पैकेट बिरयानी मसाला डाल दें। अब इसमें 1 कप पानी डालें, और अगर आप खुले पतीले में बना रहे हैं तो पानी 4 गुना इससे ज़्यादा डालें। मसाले में अब उबाल आ गया है, अब इसका ढक्कन बंद कर दें, तेज़ सीटी बजने दें, और उसके बाद फ्लेम को धीमा कर दें और इसे गलने तक पकाएं। गोश्त को 15 मिनट तक गला लेने के बाद आप देख सकते हैं कि गोश्त गल तो चुका है, लेकिन अभी बिल्कुल इसकी बोटियां खड़ी हैं, और इसमें अभी पानी भी है। ये पानी हमारे बिरयानी के चावलों को गलाएगा, क्योंकि बिरयानी का चावल 70-80% कुक्ड होता है। तो इस पानी से हमारी बिरयानी के चावलों को दम देना होगा। तो ये तो हो गई गोश्त की बात, अब आइए चावल बनाते हैं। चावल बनाने के लिए मैंने एक बड़े पतीले में लगभग 2 लीटर से 2.5 लीटर पानी डाल दिया है, और अब यहाँ पर चावलों को सीजन करने के लिए हमें नमक डालना है। मैंने यहाँ पर 3/4 टेबल स्पून नमक डाला है, और गोश्त में तो मसाले का नमक हो जाएगा, चावल के लिए हमें नमक डालना है। अब यहाँ पर लेमन और अदरक के पीसेस डालें, ताकि पानी बहुत अच्छी तरह से खुशबुओं से इन्फ्यूज़ हो जाए और हमारा चावल बहुत ही खुशबूदार बने। अब पानी में पूरी तरह से बॉयल आ गया है, तो यहाँ पर हम अपना धुला हुआ और छना हुआ चावल डालते हैं। ये चावल 1 ईयर एज्ड लॉन्ग ग्रेन देहरादून बासमती राइस है, जिसे मैंने धोकर 1/2 घंटे तक भिगोकर छोड़ दिया था। अब इसे लगभग 70-80% कुक कर लेना है, और फिर हमें गोश्त के साथ चावलों को दम करना होगा। आप यहाँ पर कोई सा भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बासमती चावल होना चाहिए। लॉन्ग या शॉर्ट ग्रेन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम ही होगा। अब जिस पतीले में आपको फाइनली बिरयानी बनाना है, उसी में आप अपने बने हुए गोश्त को डाल दें। इसमें देखना ये है कि इसमें इतना शोरबा होना चाहिए जो लगभग 1 से 1.5 कप हो। अगर वो ज़्यादा लगे तो उसे सुखा दें, और कम लगे तो बाहर से पानी मिला लें। तो व्यूअर्स, अब आप देखें मैंने पतीले में गोश्त को ट्रांसफ़र कर दिया है, और बिरयानी बनाने का इंटरेस्टिंग या इम्तहान भरा काम यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ डालें पुदीना और धनिया की पत्ती और कुछ हरी मिर्च। अब इसके ऊपर बॉयल्ड राइस डालें। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ बड़े एहतियात से हाथ बचाते हुए आपको करना है। ये गया राइस इसके अंदर, और आप देख सकते हैं कि ये अभी 70% ही कुक हुआ है, बाकी जो हमने पानी बचाया है उसी में ये दम होता रहेगा।
इसे अच्छी तरह से लेवल कर दें। कुछ धनिया की पत्ती डाल दें। तो ये काम हुआ। अब इसके ऊपर केवड़ा या अर्क गुलाब आप डालें या दोनों ही मिलाकर डालें और थोड़ा सा रंग भी इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर रोज़ एसेंस इस्तेमाल किया है। ये एडिबल कलर है। अब बिरयानी का काम पूरा हुआ, इसे दम पर रखें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पतीले को दम पे रख दिया है। दम पे रखने का मतलब है स्लो कुक करना। तो यहाँ पर एक मैंने थिक बॉटम तवा लिया है जिसके ऊपर मैंने इस पतीले को रख दिया है। तवे के ऊपर जब पतीला रखा जाएगा तो फौरन हमें इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने देना है। और तवे को मैंने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पहले से गर्म किया हुआ है। उसके बाद आप फ्लेम को धीमा कर दें और कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप इसे स्लो कुक करें, यानी धीमी आंच पर पकने दें। ढक्कन लगा दें, इसका मुंह अच्छी तरह से बंद कर दें। बेहतर तो ये होगा कि आटे से इसका मुंह बंद कर दें और एक भारी पत्थर इसके ऊपर दबा दें। 20 मिनट तक ये धीमी आंच पर पकता रहेगा, सबसे स्लो मोड में ये पकेगा। और उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें और फिर इसे 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक बिल्कुल ठंडा होने दें। उसके बाद ही आप इसका ढक्कन खोलेंगे, तभी आपको वो बिरयानी मिलेगी जिससे जिसकी खुशबू से पूरा घर भर जाता है। तो अब यहाँ से इसे हमें 5 मिनट के बाद आँच को धीमा करना होगा और स्लो कुक करना होगा। तो मिलते हैं फिर बिरयानी के पकने के बाद, इसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने रखना है। आइए व्यूअर्स, अब वक्त है पतीले को अंदर से देखने की। मैंने पकने के बाद इसे आधा घंटा से ज़्यादा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और अब इसे खोलकर देखना है। ये मेरे लिए भी तजस्सुस का होता है कि अंदर कैसा रिजल्ट रहा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिरयानी का चावल टूटना नहीं चाहिए, इसे डंडे से ही पलटते हैं। बहुत ही संभाल कर, बहुत ही हल्के हाथों से इसे निकालना होता है। और देखिए जो कुछ बना है वो आप देख सकते हैं। इतना देर दम पर रहने के बाद भी दाना बिल्कुल खिला हुआ है। असल तो इस गोश्त की हालत को देखिए, नीचे से पकने के बाद बिल्कुल ये सुनहरा हो जाता है। बहुत ही खुशबूदार और लाजवाब। और ये आपसे ज़्यादा आपके पड़ोसियों को पता चलता है कि आपके यहाँ कुछ स्पेशल बना है। तो आप भी अपना वीकेंड बनाएं स्पेशल इस बिरयानी के साथ, ट्राई करें इसे। देखिए मैं आपको बिल्कुल अंदर से दिखा रही हूँ, ना तो पानी है और ना ही दाने टूटे हैं। तो व्यूअर्स, आप भी इसे बनाएं और अगर ये बिरयानी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जिन लोगों ने पहली बार हमें ज्वाइन किया है वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू।